ये तो महागुरु परशुराम के शिष्य का संदेश है, परंतु किसका? द्रोण का, भीष्म का या फिर दुर्योधन भूल गया कि युद्ध में उसका और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ था? अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लेने आया था वो, परंतु हमने स्वयं उसे उसके प्राणों की दक्षिणा दी जिस हस्तिनापुर में हमारी पुत्री का अपमान हुआ। उस हस्तिनापुर से संधि कदापि नहीं। अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध हम लेंगे। यह पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। दृष्टम पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपने दामाद पांडवों का परिणाम देखकर पांचाल नरेश संधि कर ही लेंगे। मुझे विपरीत उत्तर की अपेक्षा है युवराज। पांचाल नरेश का उत्तर आ गया युवराज। शांति सदा युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमने शांति का प्रयास किया जो निष्फल रहा। अब शांति का अपमान करने का फल पांचाल नरेश को चुकाना होगा। अब जब युद्ध निश्चित है अंगराज, तो सावधान रहना। कदाचित आपने पांचाल के मायावी योद्धा के विषय में नहीं सुना है। मायावी योद्धा? हाँ अंगराज, मायावी योद्धा, द्रुपद की सबसे बड़ी शक्ति। हस्तिनापुर ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया है और इस समय पांचाल की ढाल तुम हो। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा कांतार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज।
यही अवसर है पांचाल की रक्षा करने का और अपना प्रतिशोध लेने का, जिसकी कई जन्मों से प्रतीक्षा थी तुम्हें। यदि इस युद्ध में हस्तिनापुर पराजित हुआ तो वो आएगा, वो अवश्य आएगा, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। उसके सामने आते ही शत्रु के मुख से साहस उतर जाता है और भय का अंधकार छा जाता है अंगराज।